Hello guys, welcome back to my channel. My name is Devil. Welcome to Devil Z Series YouTube channel. आज हम खेलने जा रहे हैं वापस सेरा सेवन. पिछला मिशन देखा है जिसमें हमने किया था जॉन्ट वाला, जिसमें हमने कहा था मारा था सीनियर को. अभी हम करने वाले रन अवे मिशन जिसमें हमने एयरपोर्ट में हाईजैक किया बंदों को मारा, वो भी जापान टोक्यो में. यहाँ आ चुका है डिस्क्रिप्शन, क्लियर द एयरपोर्ट टर्मिनल ऑन हॉस्टल फोर सेंडिंग इन 07. और यहाँ हमें एक बॉम्ब भी डिस्पोज करना है. तो हमारा ब्लैक मेंबर आ गया है. व्हाट इज योर स्टेटस सेरा सेवन? 83 मिनट्स, मतलब ये अभी अराइव होने वाला है वहाँ. ये एक्सक्लूसिव पूछ रहा है क्योंकि उधर एक्सक्लूसिव नहीं है. बहुत ही खतरनाक वेपन है इसलिए. तो हम लोग सब कुछ कलेक्ट कर चुके हैं. गुड लक, चलते हैं अपने मिशन. पहला दौर आ चुका है हम लोग ओपन. हमारा मिशन पहले ही फेल हो गया था. ओके, यहाँ छुप के बैठे मुझे इतना आई गेस यहाँ ही रहे. सबको ले हॉस्टल सबको निकाल दिया कि मार दिए. ये आई गेस इतने से लो क्योंकि पूरा एयरपोर्ट का हालत इतना खराब हो गया भाई. ये मरा क्यों? और मैं इजी पड़ेगा. खत्म कर मरने के लिए भाई बढ़ाई मरने का. इधर रिलोड भी करना है मुझे एक और रिलोड शॉट इनके साथ. ये रिलोड करना लिटरली गेम भी शो करना पड़ता है क्योंकि वो शील्ड वाले पे गोली चलेगा नहीं और उसका तो प्रॉब्लम होगा हमको. और तो यहाँ भी यहाँ पे ही मारना पड़ेगा. आराम से ऊपर जा रहे हैं, आराम से ऊपर जा रहे हैं. और यहाँ बंदों की लाशें बिछाने जैकेट पहन के सबसे पहले लेना पड़ेगा. इसे भी लेना. और आप एच पी बची, मेरी लाइफ बची. और यहाँ से पूरा गोली बरसा दूंगा पूरे मैच को कंप्लीट करूँगा. तो यहाँ से हमको लेना है हमारे सप्लाई कैरेट्स. री सप्लाई कैरेट्स आर यूनिट ने बनाए हैं और ये सब हमें तीन में से एक अनलॉक करना है. जो फाइनल नंबर है वो डालो सप्लाई का. फर्स्ट का 10 है, 7, 2. अब हम लोग आएंगे एंटर करके हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पहला नंबर चुनेंगे और क्लोजेट हमारा पहला ओपन होगा. हेल्थ 20% प्लस, 25 प्लस, 35 प्लस जो हमने चुना था फर्स्ट, जो आ चुका है हमारे हाथ में. और भागना पड़ेगा. ओके, करेक्ट. आगे तक जाना पड़ेगा हमको क्योंकि केस भी एक कवर रिलोड करना चाहिए. ये वाला भी है मेरी आगे तो रिलोड करके यहाँ से निकलते.
इसे भी ले लिया इजीली। यहाँ देखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, हाथ ही अच्छे से भी कम रखी वाले का तो भाई बहुत कम है उसको, उसके पैर भी नहीं उधर भी नहीं है। रिलोड करके वापस मारेंगे, डेली तोड़ना पड़ रहा है भाई मुझे उसका पैर है तो, और इतनी दूर 7 मिलता है मिलिटेंट्स। ओके साउथ वेस्ट, तो हम लोग करने वाले अभी स्नाइपिंग जो मेरा फेवरेट काम रहता है इसमें। एम करेंगे पहले हॉस्टेज की जानकारी लेंगे, इंफॉर्मेशन उन्हें एक को बंधक बना कर रखा है, गाड़ी में एक है, यहाँ दो है, तीन है और ऊपर एक ने लॉक लगा कर रखा है, और हम लोग डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं पहले इससे, तो इसे उड़ाएंगे हम लोग सीधा जाएंगे जो रेस्क्यूअर है उसके ऊपर हम पहले शूट करेंगे, पहले इससे मारेंगे और फिर भी बचेंगे। सेकेंड हम इसे नहीं मार सकते, हम इस इधर देख रहे हैं हमने ही मार दिया, ये अलर्ट हो जाएगा तो इजीली, और एक बार हम लोग वापस कर देंगे इस बार इस बंदे की तरह। तो अब बचा कौन है, ये इजीली है, अब वो बंदा जो पड़ा हुआ है कब से यहाँ फ़ोन पे, उसको पता भी नहीं कि इसके बंदे गए और हेडशॉट के साथ इसका काम करने वाला। तो अभी चलते एयरलाइंस के अंदर घुस घुस के अभी सबको मारना है। 1 HP पहले हील करेंगे फिर थोड़ा मार दी 2 सेकेंड रिलोड करेंगे। मैंने बाहर इतने लोगों को रिलोड यहाँ भी कितना यार कितना मार नहीं, इसे भी ले लो यार हेडशॉट, इट्स इजी। यहाँ भी तो लेट्स गो एंड किल एवरीवन इनसाइड, मेरे को दिखा रहा है मिडिल फिंगर, चल निकल मिडिल फिंगर दिखा रहा है मुझे भाई, ओपन डोर ओपन फोर एंड आउट। हम ये टेक्निक लास्ट में यूज़ करेंगे, मीन्स हॉस्टेज रेस्क्यू का आया तो एक दो इजीली पीजी इधर तक पहुंच गया यार, लोड करते इधर तक पहुंच जाते यार तुम लोग कैसे हो बंदे यार, मुझे बहुत शर्म आती है इधर पहुंचने वाले हम लोग। फर्स्ट सेकेंड थर्ड इट्स ओवर, आई थिंक द प्लेन इज सिक्योर बट द बॉम्ब इज रिमेनिंग। भाई ये क्या है, डिस्प्ले ए डिस्प्ले 35 में D1 D3 डिस्प्ले 3D, भाई मुझे इस काउंट को कर करके जीतना है तो बहुत हार्ड है यार बॉम्ब डिफ्यूज में, तो लगता है हम कर लेंगे इजीली बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि ये इजीली जल्दी कंप्लीट हो पाए, देखते हैं इसके कोड्स पहले देखेंगे फिर हम लोग अपना मैच करेंगे।
पहले मेरे को चेक करना होगा, डिस्प्ले 1A है, डिस्प्ले 2C है। डिस्प्ले में हमको दिखाया जाएगा और हमको इतने नंबर के टाइम पे हमको अलग अलग डिस्प्ले दिखाया जाएगा। और डिस्प्ले क्या है, इधर 1 3 D 1 3 3, मतलब पहला तीसरा तीसरा। तो चलते हैं, अभी तो प्रॉब्लम होने वाला है अभी। तो यहाँ है टाइमर, हमको दिखाया गया है 3 डिस्प्ले, डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3। तो यहाँ है 37 का डिस्प्ले 2, तो कौन सा नंबर था यार, डिस्प्ले का है B। डिस्प्ले 3 का क्या D है, नहीं हाँ D है, बी डी हो गया, ए का मालूम नहीं था मेरे को। और ए है BDA ई, तो चलते हैं अभी क्या करते हैं। BDA, ओ लिटरली ख़त्म हो गए हम। वो वापस कर रहे हैं, 37 में आने वाला है पहला ए आ गया, फर्स्ट ए, ए नंबर है अभी पहला वाला। तो अभी देखते हैं आगे वाले नंबर क्या है, बी है, ए बी, ओके ए ए बी ए, ओके ए बी ए सी, ए बी ए सी डी, ए बी ए सी डी। फर्स्ट कट करना है ए, फिर कट करना है बी सी, बस हो जा मेरे को मिल गए डी ई। यस, बॉम्ब स्टॉप, एरिया क्लियर, नाइस जॉब गाइस। मैं रियलिटी करता हूँ ना, ये बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए मीन्स मुझे करीबन 15 ट्रायल्स लगे इसको डिफ्यूज करने में, 15 अटेम्प्ट्स। तो अभी इनके कॉम्बिनेशन हम लोग मीन्स इनके कन्वर्जेशन कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एजेंट 15 सप्लाई सोल्जर जूनियर डेड हो गया, ये सब कर चुका है। सैम मिशन अकॉम्प्लिश्ड, हमारा न्यू मिशन इज कंप्लीटेड, नाउ वी आर गोइंग टू द बेस जहां मिशन में जो कैप्चर करना है वो भी कमांडर को। और ये है, आई थिंक ये कमांडर है, कमांडर विक्रम कोहली को, भाई नाम बोला लगे, मिस्टर ईको। भाई इस बंदे का दिमाग सबसे नहीं है, इसने हमसे यूज़ करके जूनियर बैजर को मरवाया, उनके सप्लाई को उड़वाया, क्योंकि ये अकेला इनसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहता है। और इसको मालूम है कि सेरा 7 सब जगह जाकर सबको मार देता है, इसलिए ये थोड़ा ऐसा है। और यहाँ भी हम लोग कर रहे हैं अपना कॉम्बिनेशन, जो ब्लैक हर टाइम ईगो से कम्युनिकेट करता है वो कर ही नहीं पा रहा। और यहाँ हम लोग को मिल गया उसका कमांडर विक्टर कोहली को, यही नाम है। बंदा हल्के में ले रहा है सारा को, लिटरली आई एम द ब्रो ऑन बेस ऑपरेशन, इट्स नॉट कॉम्बिनेशन बी। भाई बंदा बोल रहा है कि रेपुटेशन है कि वो हमें हैंडल कर सकता है एकदम, को नहीं पता हम कैसे बंदे। किल द सोल्जर एंड कैप्चर द कमांडर, हम लोग लॉन्ग रेंज वेपन से अभी ख़त्म करने वाले पूरे बेस को, आई थिंक सो। गुड लक, दूर से है ना सबको मारना, अब हम नज़दीक बैठे सबको लेना। द स्नाइपिंग कम्स बाई, इस बार विंड थोड़ा डाउटफुल है, मुझे एनालाइज करना पड़ता है क्या क्या है। शूट करना है मुझे, ग्लास तो दिख गया, अब ग्लास में शूट करना है। विंड -5 में पॉइंट फाइव, सीधा विंड के डायरेक्शन से ये मिशन कम्प्लीट करेंगे, क्योंकि 0.7 है, हम इजीली इस बॉटल को मार सकते हैं। एंड सो तो ये बंदा डिस्ट्रैक्टेड हो चुका है, और इसका जो 5-12 रोमिंग है ना उस बंदे को भी चेक करना है। और यहाँ भी ये देखो कि दोनों बंदे और ये तीसरा, ये बाहर वाले भी रुका है, इसे भी लेंगे हम।
और ये ट्रक जो है ना आर्मी ट्रक, उसको भी लेना है हमें। आई थिंक सो अभी हम लोग सेफ रहेंगे। अब हमारे पॉइंट जो है एम कर चुके हैं, लेट्स गो अगेन। इस बार टू है और ये इजी पीजी मरने वाला है अभी। इस बार इजी पीजी मर चुका है। एंड हियर कम्स आर 0.16, तो ये नंबर है। एंड इस बंदे का काम तमाम हो चुका है। लोड एंड नाउ लास्ट मेंबर। इस मेंबर को 0.1 है, हम सीधा मार, नो एनी डाउट। और ये बंदा भी इधर आ चुका है। 0.7, नो मिस, इम्पॉसिबल। मैं वापस करने वाला हूँ। 0.4, इस बार मरेगा ये 0.4 से। हाँ इस बार ये डेड है। 3, 2, 1, यू आर डेड। इसको जाने दो, फिर हम लोग इसका इंतज़ार करने वाले आराम से। 1.6 है, वेट कर रहे हैं हम लोग इसका। ये आ रहा क्यों नहीं जिंदा, ये बोर हो रहा है बहुत, क्योंकि ये स्नाइपर मिशन बहुत हार्ड था मेरे को। मीन्स इसके विंड डायरेक्शन की वजह से मेरे को करीबन 20 अटेम्प्ट्स लगे। तो चलो ये लास्ट बचा है 0.16 से, इसका भी काम तमाम। स्नाइपर मिशन कंप्लीटेड। तो अभी फेस टू फेस हम लोग जाने वाले। सोल्जर को पता चल चुका है उनकी कि हम आ चुके, हमने इन सबको मार दिया आधे साल। तो प्रिपरेशन रेडी करा जाएगा, ग्रेनेड एक्स्ट्रा बाय करते, मैक्स भी लेंगे। तो गुड लक एलिमेंट। और तो हम आ गए ऊपर सीधा स्पेस। 1, 2, 3, 47 है बंदे के पास। हम चला रहे यूएस एंड पिस्टल। लोड कर, लोड करो बस। इन दोनों को एक साथ दे लिया मैंने और इसे मार दिया, खत्म कर देना। चुपके बैठा, बोर लग रहा है बहुत। AK-47 वालों को जल्दी उसे सिर्फ कैप्चर करना था, मैंने सीधा मार डाला उसे। तो वापस करेंगे गोली पर आएंगे डायरेक्ट से, बने वरना ये डायरेक्ट खुद को मार देता है। तो इसलिए इसे कैप्चर कर लिया है। विक्टर इज इन आवर हैंड। तो यहाँ इनकी कन्वर्सेशन चल रही है, सब कुछ एगो विल बी गिव अप। और ये बोल रहा है कि नॉट अ चांस। तो लेट्स गो, अगला मिशन हम एगो को मारने वाले हैं। तो इस पूरे गेम का लास्ट मिशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। We'll see you in our last video of Sarah 7th series. Abhi ke liye bye bye, aur hum milte hain agle video mein.
वो आप प्रोबेबली 3 दिन के बाद नहीं, उससे ज़्यादा उत्तम नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कल ही आ जाएगी। बाय बाय।